हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 6 स्टार्ट किया था। आज हम चैप्टर 6 को ही कंटिन्यू करेंगे क्योंकि चैप्टर 6 अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6 में हमने टू फॉर्म्स ऑफ आर के बारे में पढ़ा था कि आर एक अपवर्ड बनता है, एक फॉर्म है डाउनवर्ड, और कब अपवर्ड बनेगा कब डाउनवर्ड बनेगा इसके बारे में हमने पढ़ा था। शॉर्ट फॉर्म्स पढ़ी थी, एक्सरसाइज 13 कंप्लीट की थी। अब उसके कुछ और एग्जांपल्स हैं, वो आज हमें पढ़ने हैं। देखो, व्हेन आर एंड्स अ वर्ड यूज डाउनवर्ड, ये वाला डाउनवर्ड आर कब यूज़ करेंगे? जब किसी वर्ड्स की एंडिंग आर से हो रही हो, जैसे लाइक कार, एंडिंग आर से हो रही है तो डाउनवर्ड करेंगे, के का स्ट्रोक बनाएंगे और आर, लॉन्ग आ का साउंड है, फर्स्ट प्लेस वोवल आ रहा है पहले, तो आउटलाइन अबव द लाइन बनेगी, कार हो गया। वैसे ही हो गया फार, एफ और आर, लॉन्ग ए का साउंड फार, एंडिंग आर से हो रही है तो डाउनवर्ड आर को यूज़ करेंगे, अपवर्ड नहीं करेंगे। तो ऐसे ही एग्जाम्पल सारे करने हैं हमें, इनको बोल बोल के 10 times रीड करना है, फिर 6 times लिखना है। और डाउनवर्ड आर कब बनाएंगे? वर्ड्स दैट एंड इन ओर और एयर, जिसके एंड में ओर आ रहा है, ओर और एयर आ रहा है, उस केस में हाउएवर स्पेल्ड आर रिटन विद अ सेकंड प्लेस हैवी वोवल एज इन, और जो सेकंड प्लेस हैवी वोवल के साथ लिखे जा रहे हैं, जैसे ये सब में सेकंड प्लेस हैवी वोवल है, सेकेंड प्लेस हैवी ओवल पढ़ रखा है ना हमने, ए ई ओ यू, तो सेकेंड प्लेस में ए और ओ जो है सेकेंड प्लेस हैवी ओवल होता है। और लाइट मैंने बता रखा है, लाइट को लाइट डॉट और लाइट डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बोल रखा वर्ड्स दैट एंड इन ओर और एयर हाउ एवर स्पेल्ड आर रिटन विद अ सेकेंड प्लेस हैवी ओवल, उसको भी डाउनवर्ड लिखेंगे, जिसमें ओर और एयर का वो होगा, साउंड होगा एंड में, जैसे डोर, ओर का साउंड आ रहा है ना डोर, और सेकेंड प्लेस हैवी ओवल के साथ है तो डोर, डोर में सेकंड प्लेस है डी डोर, लॉन्ग ओ का साउंड हो गया पोर, लॉन्ग ओ का साउंड हो गया पोर हो गया, उसमें भी डाउनवर्ड आएगा। ऐसी शेयर, शेयर हो गया शेयर, लॉन्ग ए का साउंड हो गया, सेकंड प्लेस हैवी ओवल शेयर, फोर, ठीक है। और बियर, बियर, लॉन्ग ए का साउंड हो गया, तो उनके साथ डाउनवर्ड आएगा जहाँ पे एंड में ओर और एयर की साउंड आ रही है। अभी आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा थोड़ा बहुत, बाद में बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। अभी स्टार्टिंग में सीखने, अभी हम लर्निंग स्टेज में हैं, जब हम स्पीड में आएंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। तो व्हेन अ वर्ड एंड्स विद अ कॉम्बिनेशन आर वोवल, तो अपवर्ड यूज़ करेंगे। जब वर्ड्स आर और वोवल के साथ के कॉम्बिनेशन में, आर और वोवल कि कॉम्बिनेशन में एंड हो रहा होगा, उस केस में अपवर्ड आर यूज़ करना है। अपवर्ड आर कब यूज़ करना है? जब वर्ड की एंडिंग आर और वोवल के कॉम्बिनेशन में होगी, आर और वोवल के, जैसे कैरी, कैरी हो गया, फर्स्ट प्लेस वोवल हो गया कैरी, आर और वोवल के कॉम्बिनेशन में, आर के बाद वोवल आ रहा है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, उस केस में हमें क्या करना है? उस केस में हमें अपवर्ड आर को यूज़ करना है। जैसे मैरी, अगर सिर्फ आर पे ख़त्म हो रहा है तो डाउनवर्ड आ रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे बता रखा है, और आर के साथ वोवल का कॉम्बिनेशन आ रहा है, उस केस में अपवर्ड आएगा। तो मैरी लिखना है तो मैरी हो गया, ठीक है, एम ए डबल आर वाई। ऐसे ही हमें सारे करने, फेरी, फेरी, शॉर्ट ई का साउंड, फेरी हो गया, ठीक है। ऐसे ही फैक्ट्री लिखना है हमें, एफ के टी आर, फैक्टोरी, फैक्ट्री, फैक्ट्री हो गया ना, फैक्ट्री हो गया, फैक्ट्री, ठीक है, फैक्ट्री हो गया। तो ऐसे ही हमें ये सारे वर्ड्स को रीड करना है, और जैसा कि मैंने बता रखा है 10 times रीड करना है और 6 times लिखना है। टुमारो हो गया, तो इसमें अपवर्ड आ रहा है, इसमें लास्ट में आर आ रहा है और वोवल भी आ रहा है, वोवल के कॉम्बिनेशन के साथ आर आ रहा है, उस केस में अपवर्ड आर को यूज़ करेंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ शॉर्ट फॉर्म्स भी हैं, जैसे कि हमने उसमें पढ़ी थी लास्ट वीडियो में, ऑन द लाइन अगर हम डाउनवर्ड आर को लिखते हैं
तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, यूअर के लिए यूअर होगा वो, और थ्रू द लाइन बनाते हैं डाउनवर्ड आर को, ऑन द लाइन बनाएंगे तो यूअर होगा, थ्रू द लाइन बनाते तो ईयर होगा ईयर। और जैसे हम ने स्ट्रोक पढ़ा था एस ज पढ़ा था, जैसे ज एस पढ़ा था ज पढ़ा था, वैसे इसको हैवी स्ट्रोक को थ्रू द लाइन बनाते हैं हम ज वाले को तो हुज होगा, शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, हुज, हुज होगी। और अबव द लाइन हम जे को पी वी टी डी जे जे करेगा ना, अबव द लाइन जे को बनाते हैं तो वो क्या होगा, लार्ज होगा। पी वी टी डी जे जे हमने पढ़ा है तो लार्ज होगा। और इथ जो है अबव द लाइन बनाते हैं हम तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, थैंक को, इथ जो होगा वो शॉर्ट फॉर्म होगी थैंक और थैंक्ड, दोनों के लिए यूज होगा इथ को अगर अबव द लाइन बनाएंगे। नोट, इसमें ये नोट करने की वाली बात है कि इन द फ्रेज टू गो द वॉवल इज इंसर्टेड, अगर हमें फ्रेज है टू गो, अब हमें टू भी पता है, टू भी शॉर्ट फॉर्म है और गो ये है, उसके साथ जी का ये लगा दिया और वॉवल लगा दिया, तो टू गो के लिए हमें ये लिखना पड़ेगा फ्रेज, इस फ्रेज में इन द फ्रेज टू गो द वॉवल इज इंसर्टेड, वॉवल हमें वो करना है डिफ्रेंशिएट करने के लिए, कि आउटलाइन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए टू गो वॉवल को प्लेस करके लिखना है, वरना तुम टू गिव या टू गिवन ना समझो, टू गो के लिए हमें वॉवल को भी प्लेस करना है, ठीक है। ये फ्रेज है टू गो, ये बहुत यूज होता है, इसको भी प्रैक्टिस करना है ऐसे ही टू गो। नाउ इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है, जो भी हमने रूल्स पढ़े हैं उससे रिलेटेड हमें एक्सरसाइज को भी 10 times रीड करना है, 6 times लिखना है। तो एक्सरसाइज क्या है, सो फार, एक्सरसाइज है सो फार अबव द लाइन है एफ ए आर फार कॉमा वी हैव हैड आ फेयर शेयर ऑफ लक, ठीक है। सो फार वी हैव हैड अ फेयर शेयर, लॉन्ग ए का साउंड, ऑफ लक, सेकेंड प्लेस वॉवल आ, आ का साउंड, सारे वॉवल्स मैंने बता रखे हैं वीडियोस में, सेकेंड प्लेस में ए ई ओ यू, लॉन्ग ए का साउंड, शॉर्ट ए का साउंड, लॉन्ग ओ का साउंड और शॉर्ट आ का साउंड, लक के लिए आ, शॉर्ट आ का साउंड है तो लक, अक। फिर सेकंड है वी हैड आ थॉरो रिपेयर, नहीं ये वी हैड नहीं है, वी डू है, तो हैड और डू के लिए दोनों के लिए सेम होता है, वी डू आ थॉरो रिपेयर जॉब एट आवर शॉप। फिर आएगा वी कैन फैच योर कार एंड लीव इट एट योर डोर, तो ऐसी हमें इनकी प्रैक्टिस करनी है। वी रैंग द बेल बट नो बडी केम टू द डोर, ऐसी बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है हमें। और कुछ भी समझ नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं मुझे, कहीं पे भी आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बेझिझक मेल के थ्रू या कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। और आगे जो ये चैप्टर इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑकवर्ड जॉइनिंग आर इज रिटन, ये जो है नेक्स्ट जो भी हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी के लिए इन्हीं को अच्छी तरीके से हमें करना है पूरा डेडिकेशन के साथ, पहले रीड करना है 10 times सो फार वी हैव हैड आ फेयर शेयर ऑफ लक सो फार, क्योंकि जितनी बार रीड करेंगे उतनी बार दिमाग में रूल भी बैठता है और शॉर्ट एंड राइटिंग की पकड़ भी अच्छी रहती है, तो हमें रीड करना है वी हैड, दिमाग में पूरा रहता है वी हैड आ थॉरो रिपेयर जॉब, सॉरी वी डू आ थॉरो रिपेयर जॉब एट आवर शॉप। फिर ठीक है वी कैन फैच योर कार एंड लीव इट एट योर डोर, ऐसे हमें करना है, बोल बोल के पढ़ना है और 10 times रीड करना है, पहले जितने भी 12 sentences दे रखे हैं 10 times देंगे, फिर इन 12 sentences को हमें 6 times जैसे मैंने लिखा सो फार वॉवल्स के साथ वी हैव हैड अ फेयर शेयर ऑफ लक, एक बार हो गया, फिर ऐसे ही सेकेंड टाइम सो फार कॉमा वी हैव हैड आ, ऐसे हमें लिखना है पूरा 10 times 6 times लिखना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।